हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। अभी हो रहा है 11:45 और मैं रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ मार्केट। आज मैं जा रही हूँ बाकरगंज मार्केट। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था लैपटॉप वाले वीडियो पे कि दी कभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी दिखाया कीजिए, बाकरगंज मार्केट दिखाइए और भी सारी चीज़ें दिखाइए। तो मैंने सोचा कि वीडियो कर लेना चाहिए। पटना में दो मार्केट है जो बहुत भारी लगता है इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट, पहला बाकरगंज, दूसरा चांदनी मार्केट। तो आज मैं कवर करूंगी बाकरगंज मार्केट, और रहा सवाल चांदनी मार्केट का, उसको भी बहुत जल्द कवर करने वाली हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। फाइनली दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बाकरगंज। ये जो मार्केट आप देख रहे हो, स्टार्टिंग यहां से है और ये अंदर तक गया है, काफ़ी आगे तक गया है। यहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स मिलते हैं। तो मैं पूरा का पूरा मार्केट कवर करूँगी और यहाँ पर जितना कुछ है मैं सब आपको प्राइस के साथ दिखाऊँगी। तो आप बने रहो मेरे वीडियो में आखिरी तक। दोस्तों, ये जो मार्केट है सुबह के 9 बजे खुल जाता है और रात के 8 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पे सामान के साथ रिपेयरिंग भी होता है। आपके पास कितनों भी पुराना सामान हो, आप यहाँ लेके आओ, रिपेयर हो जाता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको एक एक करके सब दिखाऊँगी। दोस्तों, बाकरगंज घूमने आइए तो दो तीन चीज़ याद रखिएगा। यहाँ से आप जो भी सामान लीजिएगा वो एक्सचेंज नहीं होता है, रिटर्न भी नहीं होता है। और जो भी सामान आप खरीदिए सोच समझ के खरीदिए, क्योंकि बाद में कुछ भी गड़बड़ी हुआ तो इसकी जिम्मेवारी ये लोग नहीं लेते हैं। एक दोस्तों, ये जो मार्केट है ये दिल्ली के चांदनी मार्केट के बाद इसका नंबर आता है इलेक्ट्रॉनिक में। दुकान में आपको फ़ोन मिल जाएगा, हेडफोन मिल जाएगा और भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको छोटा वाला फ़ोन, बड़ा वाला फ़ोन, हर टाइप का फ़ोन मिल जाएगा। और इस दुकान पे रिपेयरिंग भी होता है। मैंने कुछ फ़ोन निकलवाए हैं, कंपनी के हैं, अलग अलग कंपनी के हैं, आपको दिखाने के लिए और बताने के लिए कि कितने प्राइस का है और क्या क्या फंक्शन इन सब में। तो ये कौन सा फ़ोन है? जियो कंपनी का आएगा, इसमें 4500 रुपये का है। हाँ, इसमें 32 RAM दे रहा है और इसमें एक कैमरा है। इसका बैटरी इनबिल्ट नहीं है, 5.5 इंच का डिस्प्ले है। अच्छा, इसके बाद आप हाँ बताओ। देखिए, आईटेल कंपनी का 6000 रुपये इसका रेंज पड़ता है। इसमें 4000 mAh बैटरी बैकअप है, 32 RAM है, प्लस फिंगरप्रिंट दिया हुआ है। अच्छा, डुअल कैमरा है, एक फ्लैश लाइट है। इसका डिस्प्ले 6.5 इंच है। ओके, कितने प्राइस का है ये वाला बताया नहीं? ये आपको 6000 रुपये का आएगा। अच्छा, और इसका जियो वाले का? ये आपको 4500 रुपये का आएगा। अच्छा अच्छा, ओके। और ये वाला रियलमी नार्जो 50 है। हाँ, इसका रेंज आपको 11000 रुपये पड़ेगा। इसमें 4/64 RAM है, इसमें 50 MP कैमरा है, 6000 mAh बैटरी बैकअप है, 18W क्विक चार्जिंग है। अच्छा, इसमें गेमिंग प्रोसेसर दिया हुआ है GPS का जी। ये 11000 रुपये का आएगा। अच्छा, डिस्काउंट वगैरह मिलता है? हाँ, हो जाएगा। अच्छा अच्छा, और ये रियलमी का C20 मॉडल है। हाँ, ये आपको 7300 रुपये का आएगा। इसमें 32 RAM है, 5000 mAh बैटरी बैकअप है, 6.5 इंच का डिस्प्ले है, 1 साल गारंटी है, 8 MP कैमरा है। ओके,
आपको 7300 रुपये का आएगा जी। इन्फिनिक्स कंपनी का आएगा, 5000 एमएच बैटरी बैकअप है, 32 रैम रोम है, इसका 7 इंच का डिस्प्ले है, 8 मेगापिक्सल कैमरा है और 8 आगे वाला भी है, प्लस इसमें साइड फिंगरप्रिंट भी दिया हुआ है। अच्छा, तो ये कितने प्राइस का है? ये आपको 7500 रुपये का आएगा। 7500 का है, ओके। तो दोस्तों, मैंने जितने भी कंपनी के फ़ोन है यहाँ पे, मैंने सबका दिखाया और सबका प्राइस भी आपको बताया। आप कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा फ़ोन अच्छा लगा। इसको हम खोल नहीं सकते क्योंकि ये पैक है, जब आप ख़रीदने आओगे ना तब आप इसको खोल के देख सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर हेडफोन भी मिल जाएगा, तो मैंने सोचा कि हेडफोन भी आपको दिखाया जाए। मैंने एक दो निकलवाए हैं, कंपनी का हेडफोन है। बाबू, इसका बताओ पहले, ये बोट कंपनी का? बोट कंपनी का, इसमें मॉडल नंबर 400 है। हाँ, ठीक है। इसमें आपको मिलता है 15 आवर तक बैटरी बैकअप रहेगा, 1 साल गारंटी। ये ब्लूटूथ वायर दोनों काम करता है। अच्छा, ठीक है। इसमें मूविंग है, फिर इसी में आता है गेमिंग के लिए बढ़िया में 510 मॉडल गेमिंग के लिए है। हाँ, ओके। गेम खेलने के लिए इसमें वायर ब्लूटूथ दोनों है। हाँ, इसमें 3 घंटा बैटरी बैकअप मिलता है आपको। अच्छा, डुअल माइक दिया हुआ है, एंड्रॉयड iOS दोनों में काम करता है। ओके, तो प्राइस नहीं बताया दोनों का? ये आपको आ जाएगा 1300 रुपये का आएगा। हाँ, ये आपको 1500 रुपये का आएगा। अच्छा अच्छा, ओके। और इन सब का बताना जरा। नेक बैंड में आ जाएगा आपको वन प्लस कंपनी का। हाँ, इसका बैटरी बैकअप 35 आवर है, अच्छा, नॉन स्टॉप बैटरी बैकअप। ये दोनों मैग्नेटिक क्लिप होता है, चिपकता है तो ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये आपको 1950 रुपये का आएगा। ओके, फिर ये रियलमी कंपनी का आएगा, सेम चीज़ है, सेम मटेरियल है। हाँ, इसका बैटरी बैकअप आपको 12 घंटा मिलता है 12 mm का ड्राइवर के साथ। अच्छा, तो ये दोनों भी चिपकेगा तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ये आपको 1800 रुपये का आएगा। कितने प्राइस का है ये? ये 1800 रुपये का आएगा मैम, ये 1950 रुपये का आएगा। दोनों में 1 साल गारंटी, 1 साल की गारंटी। खराब होगा रिप्लेस करके नया मिलेगा। अच्छा अच्छा, तो आपके पास स्मार्ट वॉच भी है? हाँ, एक दो दिखा दो। ये जेब्रोनिक्स कंपनी का है। हाँ, इसमें 7 दिन तक बैटरी बैकअप है। हाँ, इसका रेंज आपको 1800 रुपये का आएगा जी, 1 साल गारंटी है। हाँ, कॉलिंग नोटिफिकेशन है। अच्छा, फिर ये आता है कॉलिंग वाला, 3500 रुपये का आएगा, नॉइस कंपनी का हो जाएगा। ओके, 1 साल गारंटी है। हाँ, इसमें फिर बोट कंपनी का आएगा। हाँ, ये आपको कम रेंज में हो जाएगा, 2500 रुपये का आएगा। अच्छा, इसमें 7 दिन तक बैटरी बैकअप है, 1.69 इंच का डिस्प्ले है। अच्छा, और ये फिटनेस बैंड की तरह भी काम करता है। ओके, तो इनमें स्टार्टिंग कितने से है स्मार्ट वॉच में? स्टार्टिंग आपको 1800 रुपये से 3500 रुपये तक है कॉलिंग वाला। अच्छा अच्छा, ओके, चलो, थैंक यू। सर, आपके पास क्या क्या है? मेरे पास टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन प्लस एसी भी है और क्रम्पटन फैन भी करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो हम टीवी से स्टार्ट करते हैं। टीवी में कौन कौन से ब्रांड का रखे हैं आप? एलजी है, सैमसंग है, रेडमी है, एमआई है, सोनी है। अच्छा अच्छा, तो एक दो टीवी के बारे में बताइए ना जी। ये देखिए 32 इंच का टीवी है, तो हमारे पहले माइक्रोमैक्स का है जी, एंड्रॉयड टीवी हो गया। इसमें 3 ईयर वारंटी होती है। अच्छा, सर्विस वारंटी होती है। अच्छा, 1 साल का सर्विस का हो रहता है, वारंटी रहता है? 3 ईयर। अच्छा, 3 ईयर, ओके। तो इन सब का प्राइस कितना है, कितने से स्टार्टिंग है टीवी में? मेरे पास सर स्टार्टिंग तो 11750 से स्टार्टिंग है जी। 11750, ओके। तो आप सब नए देते हैं या सेकंड हैंड भी आप लोग रखते हैं? न्यू देते हैं। न्यू देते हैं, सेकंड हैंड नहीं रखते हैं? नहीं नहीं, सब ब्रांड ही काम करते हैं। अच्छा, तो इसका सर्विसिंग कैसे होता है? होम सर्विस वारंटी होती है। अच्छा अच्छा, नंबर है उसका? हाँ, टोल फ्री नंबर पे करने पे घर पे जाके मैकेनिक बना देगा। तो उसका कोई चार्ज वार्ज नहीं लगता? कोई चार्ज, मतलब 3 साल के अंदर अगर खराब होता है? किसी में 1 ईयर है, किसी में 3 ईयर। अच्छा अच्छा, तो सर एक दो फैन दिखा दीजिए आप। फैन देख लीजिए, एक क्रम्पटन का फैन हो गया जी, 380 आरपीएम का पंखा, इसमें भी होम सर्विस वारंटी होती है। अच्छा, तो ये कितने का है? 1350 रुपये से होलसेल प्राइस। अच्छा अच्छा, तो इसमें पत्तियां जैसा हम लगवाना चाहे लगवा सकते हैं, बड़ा छोटा या इसका आता है साइज? सबका अलग अलग सेट, सबका अलग आता है। ओके, तो पंखे में 40 इंच होता है, 36 इंच होता है, 24 इंच होता है, सबका अलग 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 होता है। ठीक है, तो इसका आखिरी प्राइस कितना तक जाता होगा? देखिए, हम लोग तो रिटेल करते नहीं, ज्यादा होलसेल ही प्राइस है। होलसेल में भी आपका 1350 ऐसे 1450 में हम लोग रिटेल कर लेते हैं। अच्छा, मार्केट में भी आपको 1500-1600 में आता है।
अच्छा, तो कितने ब्रांड का रखे हैं पंखे में? हम सिर्फ क्रम्पटन का करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, तो ये स्टैंड फैन होगा? हाँ, सब फैन है, स्टैंड फैन है, वॉल फैन है, टेबल फैन हो गया। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ जी सर बताइए। ये स्टैंड फैन हो गया जी, तो ये कितने का है? फ्राटा बोलते हैं, होलसेल में हम लोग 2950 रुपए में, 2900 में भी बेच देते हैं। अच्छा, तो ये लंबा चौड़ा होता है, सॉरी लंबा हाँ, होता है ना? हाँ, ऊपर नीचे होता है। अच्छा अच्छा, ओके। सर आपके यहाँ एसी मिलेगा जी? जी, तो बताइए ना एसी के बारे में, कौन से ब्रांड का रखे हैं, क्या है? वोल्टास करते हैं, कैरियर करते हैं, हिटाची भी करते हैं। अच्छा, तो सबका प्राइस अलग अलग होगा? अलग अलग प्राइस होता है। अच्छा, डिस्काउंट वगैरह मिलता है? हाँ, एकदम मार्केट से बहुत डिस्काउंट हम लोग देते हैं। अच्छा, तो 5-star 3-star एसी आप है आपके यहाँ? अच्छा, ओके। तो सर आप अपना एड्रेस दे दीजिए, प्रॉपर एड्रेस। हम लोग का पूजा रेडियो बाकर गोला रोड, मोबाइल नंबर हो गया 9431017686। ओके, थैंक यू। यहाँ से मैं आपको स्पीकर दिखाऊंगी, 2-3 स्पीकर जो सर के पास है अच्छा वाला, और उसका प्राइस भी बताऊंगी। तो मैंने निकलवा लिए हैं ये स्पीकर, मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सर एक एक का बताइए ना, ये कितने का है? 225 का है। ओके सर, इन सब का वारंटी होता है? नहीं, वारंटी नहीं। अच्छा, वारंटी नहीं है, ओके। और सर इसके बारे में बताइए ना, ये कौन से कंपनी का है, क्या है? Xiaomi का है। अच्छा अच्छा, ओके। और सर ये 125 है। 125 का है, ओके। सर खोलिए, देखे जरा कैसा दिखता है। मॉडल है ये, आपको 220 का है। 220 का आएगा और मॉडल 125 है, ओके। ये वाला स्पीकर है, बढ़िया है। अच्छा अच्छा, ये काफ़ी बढ़िया दिख रहा है और बढ़िया लग भी रहा है। सर इसमें थोड़ा सा हैवी वाला, अच्छा वाला, अच्छी क्वालिटी वाला आता होगा ना? छोटा में बहुत अच्छा है। कौन सा, ये वाला? अच्छा, डमरू वाला है, बढ़िया है। सर इसका साउंड कैसा है? बहुत अच्छा साउंड। अच्छा अच्छा, ओके। और कितने का है? Xiaomi Music Speaker, 240 का। Bluetooth mount. अच्छा, 240 का है, ओके। बढ़िया लग रहा है, बढ़िया है। ये है कि इसमें टॉर्च भी है। टॉर्च, सही है। तो ये कितने का है? ये आपको पड़ेगा 265। कितने का, मतलब कौन से ब्रांड का है? Xiaomi। सब Xiaomi Music Speaker। अच्छा। सर सबसे पहले आप अपने दुकान का एड्रेस बता दीजिए। बाकरगंज गोला रोड इलेक्ट्रॉनिक्स मंडी। अच्छा, तो दुकान का नाम क्या है? श्री गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, जो आप नंबर शेयर करना चाहें वो आप नंबर दे सकते हैं, ताकि लोग कॉल करें इंक्वायरी के लिए या फिर सामान खरीदने के लिए। 9852372323। ओके, तो सर आपके पास क्या क्या मिल जाएगा? होम थिएटर मिल जाएगा। हाँ? मोबाइल मिल जाएगा, मोबाइल वगैरह वगैरह। अच्छा, ओके। दोस्तों इनकी दुकान पे क्या क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पे टीवी वगैरह है, होम थिएटर है, साउंड बॉक्स मिल जाएगा, फ़ोन मिल जाएगा, और भी इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स मिल जाएंगे, है ना सर? जी। ओके, तो सर ये सारे फ्रेश माल है या सेकंड हैंड भी आप लोग रखते हैं? सेकंड हैंड कोई मोबाइल नहीं रखते, सब फर्स्ट है। अच्छा, मतलब मोबाइल नहीं, बाकी सारे आइटम में भी सब फर्स्ट है, सब फर्स्ट, कोई सेकंड हैंड। अच्छा अच्छा, ओके ओके। दोस्तों हम सबसे पहले स्पीकर देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके सब दिखाएंगे। सर इसके बारे में आप बताइए। डीजे टावर है, डबल में है। अच्छा अच्छा, कितने का है ये? आपको आएगा 7500। 7500, इसमें स्टार्टिंग कितने से है? स्टार्टिंग आपको सिंगल में लीजिएगा तो ये लीजिएगा, ये हाँ? आपको 1450 का है, ये लीजिएगा तो 1750 का है, ये लीजिएगा 3000 का है, ये लीजिएगा 7500 का है। अच्छा, ये सिंगल में 5500 का है। अच्छा अच्छा, काफी बड़ा है, वो डिपेंड करता है साइज के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर। ओके, तो इसका जो साउंड है कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया। ओके, तो किसी एक का साउंड बजाइए ना। फाइनली दोस्तों मैंने चेक करवा लिया, इसका जो साउंड है जबरदस्त है, बहुत बढ़िया साउंड है इसका। और सर और क्या है? और टीवी वगैरह है। तो टीवी का मतलब कितने इंच का है ये टीवी? 32 इंच का है। 32 इंच, ओके। स्मार्ट टीवी है आपके पास? स्मार्ट भी मिल जाएगा। अच्छा, तो इसका क्या प्राइस होगा, इसमें क्या क्या फंक्शन है? ये यूएसबी फंक्शन है, ये स्मार्ट नहीं। अच्छा, ये स्मार्ट टीवी नहीं, नॉर्मल है। ओके, स्मार्ट दूसरा आता है जी, 8500 का आएगा, ये 7500 का है। 7500 का सर, वो छोटा वाला बताइए ना। कौन सा छोटा वाला जो टीवी है ऊपर? हाँ हाँ, ये आपको 4000 के रेंज में आएगा। अच्छा, कितने इंच का है वो? ये 22 इंच का। 22 इंच का है, ओके जी। सर बताइए ना। पेन ड्राइव सिस्टम होता है
जी ठीक है, कंप्यूटर लगा सकते हैं, ओके, टीवी चला सकते हैं, सब चीज इसमें फंक्शन होता है। अच्छा, सारे फंक्शन मिलेंगे, वैसे यूट्यूब के वीडियोस और वो सब स्मार्ट में आता है। अच्छा, वो सब स्मार्ट में आएगा। अच्छा, हॉटस्टार वगैरह जो चलता है वो सब स्मार्ट टीवी में आएगा, यही साइज में स्मार्ट टीवी। अच्छा, तो टीवी कितने इंच से स्टार्ट हो जाती है, मतलब 17 इंच? 17 इंच से स्टार्ट होती है। 24, 26, 32। अच्छा अच्छा। दोस्तों यहाँ पर सर के पास फोन भी मिल जाएगा, ये छोटा वाला फोन है सर, इसके बारे में बताइए ना। ये सिंपल सा फोन होता है, 2 GB लगता है, और डबल सिम लगता है। अच्छा, कितने का है ये? आपको 1000 का है। 1000, ओके। और ये जो स्क्रीन टच वाला है, 4G सेट है। अच्छा अच्छा, कौन सा कंपनी का? ये लीफोन का। अच्छा अच्छा, 4G सेट है जी, 4G। ओके, तो कितने प्राइस का होगा? 4000। अच्छा, इसमें भी जैसे हम क्वालिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्राइस बढ़ेगा? हाँ, यूट्यूब वगैरह ये सब सब कुछ चलेगा। सब कुछ चलेगा जी जी, ओके, थैंक यू सर। दोस्तों यहाँ पर बॉक्स मिल रहे हैं, ये डीजे बॉक्स हैं, तो सर से पूछते हैं कितने से स्टार्टिंग है। सर कितने से स्टार्टिंग है डीजे बॉक्स में? 1650 के है, 100 वाट। अच्छा, 200 वाट 1850 पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ओके, तो इन सब का कुछ गारंटी वारंटी होता है? गारंटी नहीं है मैडम, EMP5 का गारंटी रहता है, ज्योति कंपनी का। अच्छा अच्छा, कंपनी का रहता है गारंटी। अच्छा, तो कितने टाइप के बॉक्स आते हैं डीजे वाले? 15 इंची आती है, 12 इंची आती है, 18 इंची आती है, सब तरह। अच्छा, हर तरह का मतलब डीजे बॉक्स मिल जाएगा यहाँ पे? ओके, ये बॉक्स ये हुआ स्पीकर हुआ 12 इंची। अच्छा, ये स्पीकर है 12 इंच का, ओके, तो कितने का पड़ेगा ये? 1300 रुपया पड़ेगा। 1300, तो ये कहीं लगता है कि बस ऐसे ही? नहीं, बॉक्स में लगेगा। अच्छा, बॉक्स में लगेगा। अच्छा, तो ये सब सेकंड हैंड है या मतलब? फ्रेश माल है। अच्छा, फ्रेश माल है, नया है, ओके। तो आप इसको पूरा सेट करके कितना में दीजिएगा अगर ये वाला? 1800 रुपये देंगे। 1800 में डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं, हम करके दे रहे हैं। अच्छा, तो आपके दुकान पर सिर्फ बॉक्स ही मिलते हैं? MP5 है। MP5, ओके, तो ये कितने का है? MP5 है, हर तरह के आता है। हाँ, 200,000 के है, 800,000 के है। अच्छा, तो एक पीस दिखाइए ना ऐसे सीधा करके। अच्छा अच्छा, ओके, 2300 रुपये का। 2300 रुपये का है जी। 33 वाट का, ओके, और ये काफ़ी अच्छा है, और ये साइज में छोटा है, ठीक है, और बड़े साइज में भी मिल जाएगा, जिसको जितनी की ज़रूरत है उतना साइज लेके जाता है, ओके। तो ये होलसेल दुकान है या रिटेल है? ये होलसेलर दुकान है। होलसेलर है, ओके। अगर इसको मार्केट में लेना हो यही सामान, तो कितने का पड़ेगा? ये सामान आपको पड़ेगा 3500 में बेचेगा, 3000 में बेचेगा, अपना अपना सब बेचने का है, मतलब यहाँ से होलसेल में लोग लेके जाते हैं, रिटेल में बेचते हैं। यस,